The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So varicose veins. What are varicose veins? Kya hota hai varicose veins? Varicose veins basically suji hui, swollen, twisted, aadi tedi si nase hain jo aapke skin ke just niche, under the skin they are found, right? Aur ye pairon mein zyada tar pai jati hain, ye hoti hain kai baar sharir ke andar bhi, jaise ke bawasir. Bawasir bhi ek varicose veins ka part hai. Food pipe mein bhi ho sakti hai, right? Varicose veins, varicosities. और ये वेन्स में होता क्यों है? वेल्व्स होते हैं इसमें. वेन्स में एक तरफ जाने वाले वेल्व्स होते हैं जो एक तरफ खून जाने देते हैं, दूसरी तरफ आता है तो बंद हो जाते हैं. एक तरफ जाने देते हैं, दूसरी तरफ आता है, बंद हो जाते हैं. सो दीज वन वे वेल्व्स व्हेन दे आर लीकिंग और दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सही से काम नहीं कर रही हैं, तो क्या होता है? दूसरी तरफ भी ब्लड जाता है, तो ज़्यादा ब्लड नीचे जाता है, नीचे वाली जो वेल्व साइड है वो फैल जाती है. सो ऐसे फैल फैल के फैल फैल के फैल फैल के बहुत मोटी हो जाती हैं और वहाँ खून जमा होने लग जाता है और ये वेन स्वेलिंग हो जाती है. वेरिकोस वेन बहुत कॉमन है, इट्स वेरी वेरी कॉमन. एंड जो लोग मोटे हैं, जो फीमेल हैं, जो बूढ़े हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, वो लोग ज़्यादा रिस्क में हैं. फैमिली हिस्ट्री जिसको है उसको भी होने के चांस होते हैं. प्रेगनेंसी के दौरान चांस होते हैं. जो लोग ज़्यादा देर खड़े होते हैं उनको चांस होता है, उनके रिस्क होते हैं, राइट. सो डायग्नोसिस कैसे होता है? आपको देख के ही समझ में आ जाता है कई बार तो कि ये वेरिकोस वेन्स है. और दूसरे टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है. और तो ट्रीटमेंट कैसा है मोटा मोटा? तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है, एक्सरसाइज, लूजिंग वेट, थोड़ा बहुत पैर को ऊपर रखना, क्योंकि पैर ऊपर रखेंगे हार्ट से ऊपर तो खून वापस ग्रेविटी से आ जाएगा और वेन खाली हो जाएगी. उसके बाद आप स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं, कंप्रेशन स्टॉकिंग वेन को बंद रखेंगी, राइट. और अल्टीमेटली वेन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बड़ी, तो उस केस में फिर आपको सर्जरी प्रोसीजर्स या कुछ कराना पड़ता है. उसके बारे में भी हम बात करेंगे कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं. बट पहले टेस्ट, वेरिकोस वेन डायग्नोस करने के जो टेस्ट हैं वो है, एक सबसे कॉमन टेस्ट जो किया जाता है वो है वीनस अल्ट्रासाउंड, वीनस कलर डॉपलर, जो कि आपके पैर का किया जाता है. तो वीनस अल्ट्रासाउंड क्या है? सी, वीनस अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स यूज होती हैं जिससे कि आपके वेन्स की इमेज बन जाती है. सो हम लिटरली वेन्स की पिक्चर, वी कैन सी द पिक्चर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द वेन्स फ्रॉम इनसाइड, द फ्लोइंग ब्लड कैन बी सीन. तो ब्लड फ्लो होते हुए देख सकते हैं हम डॉपलर स्टडी से, और उसके थ्रू हम अंदर बैर प्रेजेंट क्लॉट्स हों तो भी देख सकते हैं, और वेन ढीली ढीली टॉर्चुअस मोटी मोटी हो गई वो भी देख सकते हैं. सो इन दिस वे वी कैन सी अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो नहीं है, क्लॉटिंग तो नहीं है, और आपका वेरिकोसिटीज, वेरिकोस वेन्स तो नहीं है. सो दिस इज़ दी अल्ट्रासाउंड. और कई बार अल्ट्रासाउंड में आपको ये भी बोला जाता है कि आप कुछ टाइम तक, मान लीजिए 4-6 घंटे खाना ना खाएं उससे पहले, बट इसमें और पैरों में पहनने वाली कोई भी ज्वेलरी निकालनी पड़ेगी जहाँ पर भी वो वेरिकोसिटीज़ हैं, जहाँ का अल्ट्रासाउंड होना है. बाकी ये बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है. अल्ट्रासाउंड में कोई भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं होता. इट इज़ पेनलेस, इट इज़ सेफ़, और इट इज़ बेसिकली सोनोग्राफी. अल्ट्रासाउंड जो प्रेगनेंसी में करते हैं बच्चा देखने के लिए, हार्ट के लिए इकोकार्डियोग्राफी, वैसे ही खून की नसों के लिए वीनस डॉपलर होता है. वैसे ही खून की नस जो लेके जाने वाली होती है आर्टीरियल डॉपलर भी होता है. आर्टीरियल डॉपलर में क्लॉट आ गया तो वो अलग बीमारी है, वो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है, उसमें पैर काला पड़ेगा. और इस केस में वीनस वाली बीमारी में पैर सूज जाएगा, राइट. सो दैट इज़ हाउ इट गोज. और क्रोनिक प्रॉब्लम में, वेरिकोस वेन में, धीरे धीरे पैर जो है उसकी चमड़ी डिसकलर होके अल्सर भी बन सकते हैं, वीनस अल्सर बन सकते हैं, राइट. एक्सरे से हमें कोई नुकसान नहीं है, एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल कॉमन चीज, सॉरी ये अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है. और उसके लिए आपको डॉक्टर के पास में कोई भी टाइम ज़रूर लगता है क्योंकि पैर की नसों को ढूंढना पड़ता है, बहुत सारी नसें होती हैं. सो टाइम टेकिंग होता है बस, लेकिन उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है. उसके बाद आपको एक रिपोर्ट दी जाएगी, लिटरली पैरों के अंदर प्रेशर और वो सब देखा जाएगा. तो इसके कोई ख़ास रिस्क है नहीं, इसके अंदर बहुत सारे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे. सेफ है, इजीली अवेलेबल है, सब जगह होता है. सो एक बहुत अच्छा टेस्ट है वीनस अल्ट्रासाउंड. सेकंड टेस्ट जो इसके लिए किया जाता है, वीनस स्टडीज़ के लिए कोई भी तरीके की,
चाहे हाथ में हो चाहे पैर में हो, वीनोग्राफी भी होता है। वीनोग्राफी का मतलब है इस समय हम उसकी ग्राफ यानी फोटो खींचेंगे, वो एक्सरे से खींच सकते हैं और सीटी स्कैन से भी कर सकते हैं। सीटी या एक्सरे, सीटी स्कैन बेसिकली मल्टीपल एक्सरे एक साथ हैं, खच 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 खच। सो सीटी स्कैन या एक्सरे से वीनोग्राफी करते हैं। वीनोग्राफी में थोड़ा सा रिस्क होता है बिकॉज उसमें हम डाई डालते हैं, कलरिंग कॉन्ट्रास्ट मटेरियल आपके नसों में डालते हैं, जो नस जहाँ जहाँ कॉन्ट्रास्ट जाता है वहाँ वहाँ अच्छे से दिख जाता है। सो ये कॉन्ट्रास्ट से कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, वो बहुत मिनिमम 1% से भी कम लोगों को एलर्जी हो सकती है, 1% से कम लोगों को किडनी में साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं, इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि इसके रिस्क होते हैं, राइट। लेकिन जिसमें ज़रूरत है उसमें किया जाता है। और साथ ही पैरों में, अगर हम मानते हैं कि पैरों में क्लॉट है, तब ये किया जाता है ये देखने के लिए कि कितने क्लॉट है, कितने आगे तक गए हैं। वो क्लॉट एक है तो निकालें, बहुत सारे हैं तो क्या करें, ऑपरेशन करें क्या करें, तो वो ऑपरेशन यानी ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए भी वीनोग्राफी काम आता है। तो ब्लड क्लॉट ढूंढने के लिए, ब्लड क्लॉट की इंटेंसिटी देखने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वेन को ढूंढने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें मान लीजिए डायलिसिस करने के लिए कैथेटर डालना है, मान लीजिए बाईपास ऑपरेशन होना है, तो वो भी वेन्स में उसका वेन जो क्लॉट हो गई है उसको बाईपास करना हो, तो हार्ट वाला बाईपास अलग है, ये वाला बाईपास अलग है। एक वेन जा रही है उसको यहाँ से यहाँ जोड़ना है, वो बाईपास हुआ कि भाई हाँ यहाँ क्लॉट है बीच में, यहाँ यहाँ जोड़ दिया। सो दैट इज़ हाउ दिट इज़ डन। होल्ड करना पड़ेगा।